जनता, वेलकम बैक टू अ न्यू फूड रिव्यू वीडियो। तो आज जैसे कि मैं पैन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि हम जाने वाले हैं न्यू पूना बेकरी। हम लोग खाने वाले हैं उनका वेज पफ यानी कि पैटिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पुणे के अंदर। ये उनका मेन ब्रांच है बुधवार पेट के अंदर। पहले जो था ये बस इतना ही पार्ट था और ये पूरा बेकरी का एरिया था, लेकिन अभी उन्होंने आइस एंड क्रीम, रोहित वड़े वाले और एक कुछ तो भी है साउथ इंडियन, उसके साथ कोलैबोरेट करके थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप बनाने की कोशिश की है। कोविड की वजह से अभी आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ पार्सल चालू है, खा नहीं सकते आप अंदर जाके। उसी के साथ में बाजू में उनका केक शॉप है स्पेशली पूना बेकरी का। तो लेट्स गो इनसाइड, खाएंगे आज वेज पफ क्रंची फ्रेश एंड आपको बताएंगे क्या है स्पेशलिटी। 60+ ब्रांचेस है इनकी पुणे में, 60+, तो इट्स रियली वेरी वेरी फेमस। लेट्स सी व्हाट इट इज़ अबाउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एम्बियंस असल पुणेरी, ट्रू पुणेरी एम्बियंस है। आइस एंड क्रीम का एरिया फ़िलहाल बंद है, रोहित वड़े वाले का एरिया चालू है एंड जो थर्ड पार्टी था जो साउथ इंडियन का स्पेशलिटी वो श्री ब्रह्मा, वो भी शायद से चालू है। ये जो पोल्स है इसके ऊपर पुणे के जितने भी अच्छे लोकेशंस है, पुणे का हिस्ट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। एंड जैसे कि यू कैन सी ऑल द टेबल्स आर केप्ट सो दैट पीपल वोंट एंटर एंड ईट। वी हैव टेकन परमिशन टू शूट अ वीडियो सो दे आर अलाउिंग अस। अ वेरी 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 बिग मेन्यू ऑन दियर एंड। लेट मी जूम एंड शो यू। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो इनका मेन्यू और इनका प्राइस और सम यूनिक मैसेजेस हियर। तो लेंगे अभी वेज पैटिस और उस देखेंगे कैसा है टेस्ट। जैसे कि देख सकते हैं कि इतना बड़ा उनका ओवन है, इतना बड़ा ऐसा स्क्वायर प्लेट है जिसके अंदर ये तो एक ही लेयर है, ऐसे बहुत सारे लेयर्स है और अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे ओवन्स है जिसके अंदर डेली पैटिस बनता है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आ गया है हमारा मस्त गर्मा गर्म पैटिस यहाँ पे। अभी यहाँ पे खाना अलाउड नहीं है, हम लोगों ने परमिशन लिया है बिकॉज वी आर रिव्यूइंग इट। द ओनर्स वर रियली काइंड कि दे गेव अस 5 मिनट्स टू रिव्यू इट क्विकली एंड देन वो मूव अवे है। तो आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी फ्लेकी है, स्टफिंग अच्छा है क्वाइट अंदर। तो आई जस्ट क्रश इट एंड शो यू द क्रंच। ऐसे करके पैटिस डिस्ट्रॉय तो हो जाता है लेकिन दैट्स वर्थ द क्रंच। लेंगे हम पहला बाइट साइड से। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स द रीज़न कि इनकी 60+ ब्रांचेज हो गई है एंड स्टिल दे आर ग्रोइंग बिकॉज राइट फ्रॉम डे वन कंसिस्टेंटली द टेस्ट इज सेम, द साइज इज सेम, द क्वालिटी इज सेम। तो असली पहचान एक ब्रांड की यही होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स दे आर कंसिस्टेंट इन देयर प्रोडक्ट। अगर आप एक पुणेकर हो और पुणे में रहते हो तो आपने बचपन से पैटिस खाया ही खाया होगा, लेकिन अगर आप पुणे से नहीं हो तो डेफिनेटली विजिट कीजिए और टेस्ट कीजिए। हम और एक बाइट लेंगे जहाँ पे हम मसाला ज़्यादा टेस्ट करेंगे इस बार। काफ़ी माइल्ड टेस्ट है, स्पाइस का अच्छा नोट है, काफ़ी डिसेंट नोट है स्पाइस का। जैसे कि आप देख सकते हो कि मटर भी डालते हैं ये लोग और गार्लिक का हिंट मिलेगा, आलू का एक माइल्डनेस जो है वो एक्स्ट्रा जो स्पाइसेस है उसको काम डाउन कर रहा है। काफ़ी सिंपलिस्टिक सैटिस्फाइंग टेस्ट है। आई वुड रिकमेंड मस्ट 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 विजिट वंस, एक पैटिस तो खा के देखना ही, बहुत ही फेमस है। ओवर हाइप नहीं है,
प्रॉबली आपने इससे अच्छी पैटीज खाई होगी, बट दिस इज़ अ मस्ट ट्राई पैटीज. सो दैट्स इट विद द पूना बेकरीज वेज पफ पैटीज वीडियो. मैं आपको अगले फूड वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, ईट इट.